अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। पाकिस्तान में साल 2023 का आखिरी सूरज भी गुरूब। पाकिस्तान कुछ ही घंटों बाद साल 2024 में दाखिल हो जाएगा। खुदाए जुलजलाल से दुआ है नया साल खुशियां, अमन और सलामती लाए। ये आने वाला साल पाकिस्तान के लिए मुबारक साबित हो, वतन अजीज को बुहरानों से निजात मिले। न्यू ईयर नाइट डॉल्फिन स्क्वाड की ड्यूटी के लिहाज से 3 मुख्तलिफ दर्जा बंदियां। DIG ऑपरेशंस की हिदायत पर डॉल्फिन और PRU की स्पेशल पेट्रोलिंग टीमें तश्कील। SP डॉल्फिन की स्पेशल स्क्वाड को खसूसी ब्रीफिंग। अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी की रोकथाम के लिए 256 जवानों पर मुश्तमिल स्क्वाड तश्कील। उधर कैन डिवीजन में सर्च ऑपरेशन, 11 मुलजमान भारी असलहा समेत गिरफ्तार। दिन देखा ना रात, सर्दी देखी ना गर्मी, मी देखा ना बरसात, बस काम काम। बरसों के मंसूबे मुकम्मल कराए, महीनों के मंसूबे हफ्तों में पाया तकमील को पहुंचाए। मोहसिन नकवी ने एक साल में वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। निगरान वजीर आला ने आते ही रुके मंसूबों को चौथा गेर लगाया, मईशत का पहिया चलाया। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप प्रोजेक्ट तकमील के करीब है। नयाजी चौक से बाबू साबू तक एलिवेटेड प्रोजेक्ट को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला के तामीराती कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए दौरे। मोहसिन नकवी सुबह सवेरे लाहौर चिड़ियाघर पहुंच गए, अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर आला का पुरानी तामीरात ना गिराने पर नाराजगी का इजहार। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम को तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की जानवरों की खुराक और देखभाल पर तवज्जो देने की हिदायत। साल 2023 सियासी रहनुमाओं के लिए मिला जुला रहा। शरीफ खानदान समेत कई सियासतदानों को रिलीफ मिला। शरीक मुलजमान भी बरी हुए। 6 साल पुराने आशियाना रेफरेंस का भी फैसला हो गया। पैरागोन हाउसिंग रेफरेंस भी अंजाम को पहुंचा। खाजा बिरादरान भी बेगुनाह करार पाए। नैब अदालतों में कई केसेस दोबारा खुले। नैब ने 115 रेफरेंसेज एहतसाब अदालत को वापस भिजवाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस भेजा गया। सिप्तैन खान, मुजाहिद कामरान और दीगर के खिलाफ रेफरेंसेस बहाल हुए। साल 2023 परवेज इलाही के लिए भी काफी भारी रहा। तरक्याती मंसूबों में करप्शन के रेफरेंस दायर हुए। परवेज इलाही और मुनस इलाही समेत 14 मुलजमान नामजद हुए। मुनस इलाही को इश्तिहारी करार दिया गया। उधर फवाद हसन फवाद असासा जात रेफरेंस से बरी हुए। फवाद हसन फवाद के भाई अहलिया को भी बाइज्जत बरी किया गया। आज चीमा 6 साल बाद एहतसाब अदालत से सुरखुरू हुए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट 2023 जारी। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर 3.25 करोड़ से जायद कॉल्स मौसूल हुई। शहरियों ने 2 करोड़ से जायद गैर मुतलिका कॉल्स की। पुलिस रेस्क्यू के जरिए 25 लाख से जायद केसेस में मदद फराहम की गई। 2500 से जायद सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक किए गए। शहर लाहौर में साल 2023 मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त तरीन रहा। सेहत से खिलवाड़ करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के रडार पर रहे। 99,860 से जायद मकामात की चेकिंग की गई। कवरिन के खिलाफ वर्जी पर 460 से जायद यूनिट्स को बंद किया गया। 9,600 से जायद फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने किए गए। साल 2023 का आखिरी दिन ड्यूटी टैक्सेस स्टेट बैंक को जमा कराए जाएंगे। टैक्स कलेक्शन के पेश नजर कस्टम्स विंग और FPR के तमाम टैक्स ऑफिसर्स खुले हैं। तमाम ऑफिस हफ्ते वार छुट्टी के बावजूद मामूल के मुताबिक काम में मसरूफ। कस्टम्स और टैक्स ऑफिसर्स में तमाम अमला रात 10 बजे तक अपनी खिदमात सर अंजाम देगा। लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस ने दिसंबर 2023 का रेवेन्यू हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया। 145 अरब के मुकर्रर करदा हदफ के मुकाबले में 148.4 अरब के महसूलात जमा। चीफ कमिश्नर LTO लाहौर सैयद महमूद हुसैन जाफरी की क्यादत में हदफ को कबूल किया गया। टैक्स दहिंदगान को दिसंबर में 4.3 अरब के रिफंड भी जारी किए गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फार्मी अंडों की कीमत में भी
इजाफा, 2 रुपए इजाफे के बाद अंडे फी दर्जन 372 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा, गोश्त की सरकारी कीमत 509 रुपए फी किलो हो गई। चुंगी अमर सद्दू पर हकूक खल्क पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा, शहरियों की कसीर तादाद ने मुजाहरे में शिरकत की। मुजाहरीन का बुनियादी जरूरियात जिंदगी की फराहमी का मुतालबा, हम पुरअमन एहतजाज चाहते हैं, पुलिस ऐसा नहीं चाहती, मुजाहरीन का इल्जाम। बसंतपुरा स्कीम नंबर 2 गर्ल्स हाई स्कूल के सामने फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। फिल्ट्रेशन प्लांट के दरवाजे पर ताले गर्दोगुबार के ढेर लग गए। मकीनों का इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द फाल करने का मुतालबा। अवान मार्केट अटारी सरोबा में सीवरेज का नाकस निजाम, सीवरेज का जमा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, ताकुन से खड़े होना मुहाल हो गया। मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर, मच्छरों की अफजाइश से इलाका मकीन बीमार होने लगे। कमाहा लुधर रोड इंतजामिया की लापरवाही का शिकार, सड़क पर बने गहरे गढ़े हादसात में इजाफे की वजह बन गए। सीवरेज का पानी इलाके में गंदगी और ताफुन फैलाने लगा, इलाका मकीनों का सड़क का निजाम जल्द अज जल्द बहाल करने का मुतालबा। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से हुआ इलेक्शन से पहले इलेक्शन, कौमी असम्बली के N127 में राय शुमारी की गई। PTI 7261 वोटों के साथ पहले नंबर पर, नून लीग 7087 वोटों के साथ दूसरे, तहरीके लबैक 1246 वोटों के साथ तीसरे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1152 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रही। जमात इस्लामी 454 वोटों से पांचवी पोजीशन ले सकी। हल्के से 930 अफराद का इजहार राय से इनकार। बिलावल भुट्टो जरदारी N127 से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंगल को लाहौर पहुंचेंगे, सूबाई क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल, मुलाकातों में मुख्तलिफ हलकों के हवाले से मुशावरत भी करेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का NA119 में वर्कर्स कन्वेंशन, उम्मीदवार PP151 मलिक फारूक अली आवान, उम्मीदवार PP150 हाफिज उबैदुल्ला, उम्मीदवार PP149 शायमान भट्ट, उम्मीदवार PP170 राना आबिदुर रहमान, उम्मीदवार PP152 राना आसिफ भी शरीक हुए। उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज अब्दुलरऊफ ने मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी, N119 से बैरिस्टर मोहम्मद ओन शाहिद की साथियों समेत IPP में शमूलियत, बैरिस्टर ओन शाहिद और साथियों की शुएब सिद्दीकी से मुलाकात, IPP में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। PP169 में जमात इस्लामी का तराजू कन्वेंशन, नायब अमीर जमात लियाकत बलोच की खसूसी शिरकत, अहमद सलमान बलोच, सैयद मुस्तकीम मुइन, जहांगीर एसआर, तैयब एजाज और दीगर ने शिरकत की। तराजू कन्वेंशन में बड़ी तादाद में मर्द और खातीन ने शिरकत की। तराजू कन्वेंशन में मसाइल का हल तराजू के तराने भी बजाए गए। जमात इस्लामी का N130 में इंतखाबी इजलास, उम्मीदवार कौमी असम्बली सूफी खलीक अहमद भट्ट ने सदारत की। इजलास में PP170 के उम्मीदवार अहमद रजा भट्ट ने शिरकत की। PP173 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद मुनीर ने शिरकत की। कारकुनान को हलवा पूरी और नान चने का नाश्ता करवाया गया। कमिश्नर लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के दौरे, कॉलेज रोड की रिमॉडलिंग के कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट टीम ने ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अली रंधावा का इरिजिस्ट्री मॉडल सेंटर, इजर्टन रोड और PIC का भी दौरा। एंट्रेंस रिसेप्शन काउंटर, ऑटोमेटेड टोकन सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, इंतजार गाह का भी जायजा लिया गया। जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की प्लॉटों की ट्रांसफर पीरियड में इजाफे पर तशवीश, ब्लॉकों में प्लॉटों की ट्रांसफर के दौरान वेरिफिकेशन में हफ्तों लगने लगे। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। नौ मई पाकिस्तान का एक ऐसा सानहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सेमिनार से खिताब।
बोले पाकिस्तान एक नजरिए पर कायम होने वाला मुल्क है, हम वो सोच वो फिक्र कहीं घूम कर बैठे हैं। अलखिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स का सोशल वेलफेयर चमन टाउनशिप में आमद हुई। वॉलंटियर्स ने खसूसी बच्चों के साथ नए साल का केक काटा, खाना खिलाया, खूबसूरत तहाइफ गर्म कपड़े और बिस्तर और रजाइयाँ तकसीम की गईं। ग्रीन टाउन में कसर सदाकत यतीम खाना की इफ्तिताही तकरीब। यतीम खाने में बच्चों की तालीम व तरबियत और किफालत की जाएगी। अलामा डॉक्टर राकिब हुसैन नईमी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन फिरदौस ट्रस्ट हाफिज मोहम्मद आजम अली नईमी ने भी शिरकत की। धर्मपुरा नुसरत कॉलोनी राशिद पार्क में फ्री मेडिकल कैंप। उम्मीदवार मरकजी मुस्लिम लीग वी पी 170 राना अब्दुलरहमान ने तमाम किया। फ्री मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की। टेस्टों की फ्री सहूलत और फ्री अद्वियात भी दी गई। अलहमरा में राखान ग्रामर स्कूल के जेर तमाम सालाना कॉन्वोकेशन। सीईओ राखान ग्रुप इंजीनियर फहीम अरशद ने सदारत की। कॉन्वोकेशन में चेयरमैन राखान ग्रुप हाफिज मोहम्मद उमैर, वाइस चांसलर वेटनरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नसीम अहमद और लीगी रहनुमा राना मसूद ने शिरकत की। तुलबा की जानिब से सूफी ड्रग्स, एरोबिक्स, फैंसी ड्रेस शो और तकरीर पेश की गई। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज साहिबजादा मुजफ्फर की सालगिरह। अजीज़ व कारिब की जानिब से मुबारकबाद। पार्क एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से फैमिली गाला तकरीब में सीईओ इफ्तिखार सिंधु और जनरल मैनेजर इमरान अफजल ने शिरकत की। मर्द खातिन और बच्चों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब में मेवा के जंगल का भी इफ्तिताह किया गया। फैमिली गाला में बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी लगाए गए। सीईओ इफ्तिखार सिंधु बोले आलूदगी पर काबू पाने के लिए दरख्त लगाना होंगे। पंजाब आर्ट एंड कल्चरल एक्सपो का आखिरी रोज महर अकरम उर्फ काला पहलवान की जेर निगरानी 40 छोटी बड़ी कुश्तियां हुई। लास्ट मैन स्टैंड लीग का फाइनल, स्टैलियंस ने शाहीन्स को 58 रन से शिकस्त दे दी। स्टैलियंस ने पहले खेलते हुए 175 रन बना लिए। हदफ के ताकुब में शाहीन सिर्फ 117 रन बनाकर आउट हो गए। और ट्राइकोन वेलफेयर कमेटी के जरिए तमाम फैमिली विंटर फेस्टिवल 2023 आसफ कमाल, आफ्ताब कमाल और दीगर की शिरकत।